नमस्कार, मैं प्रवीण, पॉलिटिक्स बिहार पे आपका स्वागत है। देखिए, पटना के डगमंगला चौराहा पे मौजूद हैं ये जो तमाम जो महिलाएं हैं, वो आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका की महिलाएं हैं। पिछले कई दिनों से ये लगातार जो है अपनी मांगों को लेकर पटना की सड़कों पे कई बार उतरती हैं, लेकिन सरकार जब इन दोनों की मानदेय बढ़ाने की बात आती है, सरकार इन लोगों को सिर्फ आश्वासन देती है लेकिन मानदेय नहीं बढ़ाती है। आज ये अब आर पार की लड़ाई को लेकर पटना की सड़कों पर उतरी हैं, क्या कुछ मांग है, चलिए कुछ सेविका महिलाओं से जुड़ेंगे, बात करेंगे। एक हाथ में पोस्टर, एक हाथ में डंडा खींची हुई है। एक हाथ में पिस्तौल है, ये हम लोग का सीटू संघ है, और दूसरा डंडा हम लोग प्रशासन से छीने हैं। जो डंडा हम लोग के मारा जा रहा था, वही डंडा हम लोग प्रशासन से छीने, उसी को डंडा उसी को मारेंगे, उसी को मारिएगा, उसी को मारेंगे। क्या कर रही थी, क्या कर रही थी? इस डंडा से एक महिला सेविका को उसने माथा फाड़ दी, हमने छीना ही डंडा। अभी सस्पेंड किया जाए, जो पर कर्मचारी आपका मारी है हमारी बहन को, उसको आप भी सस्पेंड किया जाए। अगर आप नहीं सस्पेंड करते हैं, हम 10 बजे रात तक डगमंगला चौराहा जाम करके रखेंगे। आप भी सब सेविका के बीच में आकर के उसको सस्पेंड कीजिए। बहुत मार खाए, आप मार के बदला मार हम लोग दे के जाएंगे। सेविका सहायिका जिंदाबाद, आवाज दो, हम एक हैं। चाचा भतीजा खोलो कान, बिहार सरकार मांग कहने में हमको शर्म लगता है, लेकिन नीतीश कुमार को देने में शर्म नहीं लगता। हम लोग के 6000 मिलता है, 24 घंटा सेवा लिया हो जाता है। बिगड़ा मोबाइल देकर के रात भर हम लोग गोल गोल उसको नचाते रहते हैं, ये नेट नहीं पकड़ता, ये नेट नहीं पकड़ता। और नीतीश कुमार चादर ओढ़ के सुता है और हम लोग के बच्चा रोता है। ये नीतीश कुमार के देन है कि हम लोग महिला रोड पर, आज पर्व त्योहार के दिन में हम लोग रोड पर कागज पर महिला सशक्तिकरण करता है, सिर्फ ओनली पेपर पर महिला सशक्तिकरण, बाकी जमीन पर कोई महिला सशक्तिकरण नहीं। उनको अभी 10,000 रुपया मानदेय मांगा गया है, प्रोत्साहन राशि, वो भी उनके बस में नहीं है। उन्होंने लाठी चार्ज करवाया। सुशासन बाबू, आप ठीक नहीं किए हम सेविकाओं के साथ, इसका खामियाजा आपका 2024 में भुगतना होगा। अभी भी वक्त है, संभल जाइए सुशासन बाबू, वरना हम नारी शक्ति जग गए हैं, आपको छोड़ेंगे नहीं। अब हम ये मत समझिएगा कि हम अबला नारी हैं, हम अब सबला नारी हो चुके हैं। हम सबला नारी आपको बताएंगे, 2024 में आपको गद्दी से उतारने का काम करेंगे, वरना सुशासन बाबू आप हमारा समान काम का, समान काम का समान वेतन हमको दिया जाए। हम आपसे कोई भीख मांगने नहीं आए हैं, आपसे हम भिक्षाटन करने नहीं आए हैं। कोई शौक नहीं था सेविकाओं को कि आज रोड पर आकर के तमाशा खड़ी करना, आप तमाशा करवाए सुशासन बाबू। आपको होश में आना होगा, अगर होश में नहीं आइएगा तो हमारी बहन नारी शक्ति अगर जन्म दे सकती है तो संहरण करने के भी कैपेसिटी रखती है। आप होश में आ जाइए, हमारा वाजिब मजदूरी है समान काम का समान वेतन, आपको देना होगा, देना होगा। चुप चुप रहिए, चुप रहिए। 29 सितंबर से हम लोग लगातार हड़ताल पर हैं, इसका बजाबते सरकार को मार्च 2023 में लेटर दिया हुआ है कि सरकार हमारा मानदेय बढ़ाया जाए, 5950 रुपये में हमारा गुजर बसर नहीं होता है। आप मीडिया बंधुओं से मैं विनम्र निवेदन करती हूँ, आप ही बताएं क्या किसी परिवार का गुजर बसर 5950 रुपये में हो सकता है क्या? अगर आपका नहीं होता है सुशासन बाबू, आपका मंत्री का पेमेंट बढ़ता है, सालों साल भत्ता बढ़ता है, सेविका के लिए आपके खजाने में कुछ है ही नहीं, नहीं है तो ऐसी गद्दी को छोड़ दीजिए। जो सेविका का बात करेगा वही बिहार में राज करेगा, जो सेविका का बात करेगा वही बिहार में राज। अब जब सरकार, आप लोग रोड पे हैं, सरकार क्या अभी बात नहीं, अभी सरकार लाठी चार्ज करवाई है, ये उनको इतना महंगा पड़ेगा, ये डंटा है भागलपुर की सेविका के ऊपर सर फाड़ दिया गया है। ऐसे ऐसे सुशासन बाबू को क्या कहा जाए, शब्द कोश में शब्द नहीं सुशासन बाबू आपको कहने के लिए, इतना गलत आप किए हैं, इतना गलत आप किए हैं, इसका खामियाजा आपको 2024 में भुगतना होगा। जिंदाबाद, जिंदाबाद।
सेविका का बात करेगा, जो सेविका का बात करेगा वही गद्दी पर राज करेगा। आज देखिए हम लोग शांतिपूर्ण आए थे धरना प्रदर्शन करने, नीतीश बाबू से मांग करने की। देखिए नीतीश बाबू आप बार बार हम लोग को धोखा देते हैं, तेजस्वी सी आप हमको कह करके ठक लिए कि हमारा अगर गद्दी होगा तो हम आप लोगों को दुगुना कर देंगे। हम लोग गांव-गांव जा करके उनका वोट मांग करके उनको गद्दी पर बैठाए, और एक भाई के नाते उस बहन के साथ धोखा किया है। आज हम वो धोखा का बदला हम छोड़ कर नहीं जाएंगे। अगर हमारा मानदेय नहीं बढ़ाते हैं तो हमको यहाँ पर 90 दिन रहना पड़े, हम 90 दिन रहेंगे। अभी तो फिर प्रशासन हटा देगी, मार देगा। प्रशासन कैसे हटा देगी? एक बहन को मार देगा, दूसरे को मार देगा। हम गोली खाने के लिए तैयार है, लाठी खाने के लिए तैयार है। भरोसी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना नीतीश बाबू तुम्हारे बाजू में है। देखिए जो महिलाएं हैं आंगनबाड़ी सेविका सहायिका किस तरह से अब उग्र हो चुकी हैं और लगातार अब सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रही हैं। सरकार के खिलाफ आक्रोश हो चुके हैं और लगातार जो है सरकार को चुनौती दे रही है। आर पार की लड़ाई को लेकर पट्टा की सड़कों पे उतर चुकी है। अब यह देखना होगा कि सरकार इन लोगों की मांग है जो कब तक पूरी करती है। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहे, धन्यवाद।